जनों का रूम है, ये भी तीन जनों का, और ये है दो जनों के लिए रूम। जो इतनी ऊपर जगह है जहाँ पे व्हीकल लाना पॉसिबल नहीं है, मतलब पैदल चल के ही आ सकते हैं, गाड़ी नहीं आ सकती है, वहाँ पे मतलब इस तरीके का रूम बनाया है, वो भी बहुत बड़ी बात है। पर हम रुकेंगे टेंट में, अलग एक्सपीरियंस करते हैं ना आज। ये होते हैं होटल्स यहाँ पे, बस दो दो तीन तीन रूम ही होते हैं और कम ही है, मतलब एक दो ही है ये बस, बाकी टेंट है। एक तो यहीं, इधर बादल देखो, एकदम पहाड़ को ढक लिया बादलों ने। तो जी ये यहाँ पे बन रहा है हमारा टेंट हाउस, आज रात के लिए टेंट में रुकेंगे, बनने लगा है अभी। एक बूंद गिरी थी अभी, बादल हो रहे हैं तो हो सकता है बारिश होए थोड़ी बहुत। क्या कह रहे हैं, बारिश में दिक्कत तो नहीं है? बता पड़े हमारा छोटू सागर। हाँ हो रही है ये तो। तो जी हमारा छोटू सा घर रेडी है। अंदर से दिखो है? इनको रूम टूर दो। दे दो बिल्कुल, ले जाना अंदर है। इस बड़े बड़े शहरों में मैं दिखाने वाली हूँ अपना टीनी सा हाउस। टिडिंग टिडिंग टिंग, टिडिंग टिडिंग टिंग। स्लीपिंग बैग सभी आने बाकी है। ये है हमारा मेन डोर। और हम ऐसे एंट्री करते हैं, जिप खोल के एंट्री। तो बस कोजी सा कोजी सा कोजी सा। यहाँ पे बस गद्दा आ गया है और कोजी कोजी होके सो जाएंगे अभी। और यहाँ पे आ गई है हमारी वार्डरोब, दिस इज माय वार्डरोब। बंद कर लो। ओके बाय, हैव अ टाइट स्लीप। गई अंदर। 2000 years later. ओहो बादल आ गए नीचे ही, 3:30 हो रहे हैं अभी तो, मतलब शाम भी नहीं हुई और ओए होए होए बादल आ गए पूरे। ये स्लीपिंग बैग मिल गए हैं, मेरा पिंक है ऑब्वियसली। ये इनका ब्लू लेवेंडर सा। स्लीपिंग बैग में घुसो और सो जाओ। घुस गए सो गए। कैटरपिलर बन गए आप। कैटरपिलर ही बनना होता है इसमें। अच्छा ये है टेंट छोटा सा। यहाँ पे इतनी देर पूरे पहाड़ दिख रहे थे, अब देखो बादलों से ढक गए। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और इधर से होएगा सनसेट, और मैंने कुछ फ्रेंड्स भी बना लिए। ये रे मेरे अंग्रेज दोस्त। बहुत देर तक चिट चैट करती रही थी क्योंकि ये सो रहे थे तो मैं बोर हो रही थी, तो मैंने नए दोस्त बना लिए। और बहुत मज़ा आ रहा है, मैं क्या बताऊँ यार, ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए। देखो गाइस वहाँ पे बर्फ़ जमना स्टार्ट हो गई है शाम होते होते ही, मतलब सुबह तक तो पूरा जम जाएगा यहाँ पे। सो गाइस ब्यूटीफुल सनसेट, देखो पूरी एक येलो ऑरेंज सी लाइन बन गई है, अच्छा लग रहा है। उधर पीछे जा रही है माउंटेन के,
इतनी ठंड है ना, क्या बताऊं अभी से रात को क्या ही होगा है। और मजा आ रहा है? अरे ठंड लग रही है। क्या? I've got I'm celiac, so celiac disease. Yeah. बहुत ही प्यारा सनसेट और बहुत ही ज्यादा ज्यादा यमी मैगी। वो स्नो पीक्स। You have to go in. No, no. I am fine. तो बेसिकली यहाँ पे हो रहा है बोन फायर। बोन फायर बोले तो तपेंगे। हाँ उधर से हूँ, ठीक है। अरे हाथ का पता ही नहीं चल रहा है। हाँ ठंड स्टार्ट हो गया। हाँ ठंड बहुत है। That's how I used to go. I lived in Wales, in Cardiff, for 5 years. Oh, wow. When I was at uni, we would go out in like little tops and little shorts in the rain and the cold. Like tiny crop tops and like shorts. Wow. अब रात हो गई है तो वहाँ पे पूरे नीचे सिटी दिख रही है, मैगलोडगंज और धर्मशाला कम्बाइंड। और यहाँ पे चल रहा है थोड़ा थोड़ा बॉनफायर, सब बैठे हैं चिलिंग एंजॉयिंग। मी टू एंजॉयिंग। पहाड़ों में कभी नहीं आओगे ना, तो कभी भी दाल चावल ऑर्डर नहीं करोगे। करोगे कभी नहीं करोगे, पर बस ये यहीं आके आने का मजा है। सिंपल जिंदगी। सो गाइज, फ्लैश लाइट से वीडियो शूट हो रहा है, मतलब वीडियो की एंडिंग हो रही है। बहुत देर तक हमने बातें बातें करी है, बोन फायर हुआ है, वहीं पे हमने डिनर किया है बैठ के। और मतलब बाहर की कंट्री के भी काफी लोग हैं, तो उनसे बहुत कुछ अलग अलग देशों की भी बातें हुई है। अब जाके कुछ आराम आया। अब घुस गए हमारे छोटू से टेंट में। और सच बता रही हूँ, अभी इतनी ठंड लग रही है ना, अपने जैसा हो गया तो एकदम। हाँ सुबह पता पड़ेगा, कुकड़ी ना जम जाए। अभी थोड़ी देर में ये स्लीपिंग बैग में घुसेंगे, वो रजाई वगैरह ओढ़ेंगे तो थोड़ा सा गर्म हो जाए, बट अभी तो बहुत ठंड लगता है। हाँ तो मैं करती हूँ इस व्लॉग के यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। और हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस लाइफ में जरूर करो बूढ़े होने से पहले। बूढ़े हो जाओगे, हड्डियाँ काम नहीं करेगी, तो ऐसी जगह आ नहीं पाओगे। इसलिए। और तारे बता रही हूँ, इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने तारे तो कहीं दिखते ही नहीं है। फ़ोन में आ नहीं पा रहे हैं, अगर फ़ोन के कैमरे में आते तो मैं ज़रूर दिखाती, लेकिन इतने सारे तारे दिख रहे हैं, इतना बढ़िया लग रहा है, इतना बढ़िया माहौल है।
कि एक रात तो ऐसी जगह रुकना ही चाहिए, रुकना चाहिए भाई, है ना। और कुछ बोलना चाहेंगे? टेंट में रुकना और एक सारा टेंट में ऐसी जगह रुकना जहाँ टेम्परेचर इतना कम हो, बहुत फर्क है। हम रूम ले सकते थे लेकिन हमें ये भी एक्सपीरियंस करना था, फिर कब मिलता है? नहीं रूम तो यहाँ ऐसा कोई खास था ही नहीं। हाँ खास नहीं है, बट फिर भी इससे बेटर, मतलब चार दीवारी का है, चार दीवारी का बेड है, एकदम एज, एकदम एज पे आगे एकदम खाई है। हाँ देखा होगा वीडियो में। चलो अब ठीक है, बाय। थोड़ा गर्म हुए। हाँ सो गाइस, बड़े बड़े शहरों में मैं दिखाने वाला। सो गाइज़,